स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आज मैं आपको पाई चार्ट पढ़ाऊंगा। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट होता है रिप्रेजेंटिंग ए डाटा इन सर्कल विथ डिफरेंट एंगल्स। अब ये देखिए, हम लोग का टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, तो पाई चार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसका जितना वैल्यू है वो उस हिसाब से उस फ्रैक्शन में हम लोग एंगल को बांटेंगे। अब जैसे देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन है, इसमें सब क्वेश्चन सेम है, एक जैसी रहता है। अगर आप एक बना लेते हो तो पूरा बना सकते हो। देखिए, मैं अभी एक क्वेश्चन बना के आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5.1 का 20 है। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 आइटम, इधर लिखिए आप रुपीज इन क्रोर्स, और इधर आप लिखिए सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू होता है वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल वैल्यू इनटू 360। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे है एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स, उसके बाद है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, उसके बाद मिसेलेनियस, MISC करके लिख देते हम लोग, मिसेलेनियस का और भी खर्चा कुछ कुछ हिसाब नहीं मिलता है। तो एग्रीकल्चर में कितना खर्चा है? 6000 करोड़। इंडस्ट्री में कितना है? 4000। कम्युनिकेशन में कितना है? 4500। कम्युनिकेशन में 4500। और मिसेलेनियस कितना है? 3000। मिसेलेनियस में 3000। अब टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे, 0 0, हियर वी हैव 5, और यहाँ 6 + 4 = 10, 10, और 4 + 3 = 17, 17,500 करोड़, ये टोटल वैल्यू हो गया। अब सेंट्रल एंगल क्या होता है? वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। अब ये एग्रीकल्चर में वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट कितना है? 6000। टोटल वैल्यू कितना है? 17500, इतना हो गया, इनटू 3360। और ये जो आंसर आएगा वो वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 मैंने कैंसिल कर दिया। अब ये किससे कटेंगे? ये 5 से कट सकता है, 5। पहले हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को ही काटें, ठीक है, क्योंकि ये सब में आता है। एक मिनट, सॉरी, हम थोड़ा इसको फिर से करते हैं। यहाँ पे ये था 6000 बाय टोटल वैल्यू 17500 इंटू 360, ये 0 ये 0। पहले आप इसी को काट लीजिए, ये सब जगह उसी से कटेगा। अब देखिए, ये किससे कर सकता है? ये कर सकता है 2 से 2, कितना जा? 18 जा। और ये कितना होगा? 2 8 जा 16, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 5 जा 10। अब देखिए, ये 9 और ये 8 + 7 = 15, और +5 ये नहीं कटेगा। अब आप इसको इससे काटिए। अब अगले बार जब हम काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 4000 वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट,
और यहाँ 17500 इनटू यहाँ पे कितना होगा 360। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या करूंगा, इसको सीधा काटूंगा 875 और इसको काटूंगा 18। ये मुझे पता है सब में ये वैल्यू आएगा। फिर ये और करता है तो हम काटेंगे, ये और करता है तो काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 5 से कटेगा तो कितना होगा, 5 1 5 कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3 बचेगा, 5 1 5 3 तो 37, तो 5 7 35, फिर 2 बचेगा 5 5 25 और इसको मैं 5 से काटूंगा तो 5 12 60 और 2 0। फिर 5 से कटना है, 5 से काटेंगे तो 5 25 से भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ 100 है तो ये भी कर सकता है, दो बार कटेगा। चलिए काटिए, 5 3 15, 5 5 25 और इसको काटेंगे 5 से तो 5 2 10 कितना बचेगा 2 0 तो 5 4 20 और 0। फिर 5 से कटेगा 5 7 और 5 कितना जा कटेगा 5 4 5 6 5 6 24 और 4 बचेगा 5 8 40। अब देखिए 7 और 18, ये तो डेसिमल में आ रहा है, कहीं मिस्टेक हुआ क्या, ये डेसिमल में आ जाएगा अगर आप इसको काटेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 7 बच रहा है और यहाँ 68 into 18 बच रहा है, तो 68 भी नहीं करता है और 18 भी नहीं करता है, तो इसका आंसर समथिंग इन डेसिमल आएगा। फिर इसका भी आंसर आप निकालेंगे, फिर इसी तरह से 4500 by 17500 into 360 इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे। फिर यहाँ पे मिसेलेनियस में 300 by 17500 into 360 करेंगे, इसका भी आंसर आएगा। इसको एक बार और देख लो, तो 0 और ये 0 और ये 5 6 plus 4 10 और 3 4 plus 3 17, ठीक है। इसको कट करके आप इस सब का आंसर निकालेंगे, ये सिंप्लीफाई करना है जो भी आंसर आएगा। अगर मान लो यहाँ कोई मिस्टेक हुआ होगा तो यू जस्ट गो थ्रू इट और एक बार देख लीजिए कि आंसर क्या आता है, ठीक है। और ये वैल्यूज आप लिखेंगे, ये टोटल वैल्यू जो भी आएगा ये सबको जोड़ के 360 आना चाहिए। अगर 360 नहीं आया मतलब आपने कहीं गलत किया, आपने कहीं गलत किया। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू निकालने के बाद हम कोई भी रेडियस लेके एक सर्कल बनाएंगे और फिर हम ये सेंटर है यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और ये कितना डिग्री का एंगल है उतना डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे, और यहाँ लिख देंगे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद यहाँ बैठाएंगे और ये अगला एंगल बनाएंगे जितना डिग्री का होगा और इसमें लिख देंगे इंडस्ट्री, इंडस्ट्री लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ एक बनाएंगे, इसमें लिख देंगे कम्युनिकेशन, जितना डिग्री का एंगल होगा यहाँ, जितना डिग्री एंगल होगा उतना बनाना है और यहाँ फिर मिसेलेनियस MISC लिख देंगे और ये आपको पाई चार्ट बन जाएगा। अगर आप कर सकते हैं ठीक है, ये तो मैं फिर करके दिखाऊंगा, ओके। ये आप करना, अगले दिन फिर नहीं होता है तो मैं फिर से करके दिखाऊंगा, क्योंकि 5 से 6 6 7 मिनट से ज्यादा वीडियो लोड नहीं लेता है, इसलिए मैं इतना किया। अगर नहीं हुआ तो कल फिर करूंगा, ओके। थैंक यू।